नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं खबीब वर्सेस पोरियर की फ़ाइट के बारे में, जो कि 7 सितंबर को है और जो कि एक बहुत बड़ी फ़ाइट होने वाली है और जिसका मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। और इस फाइट के बारे में हम पूरी बात करने वाले हैं आज कि कौन जीतेगा, कैसे जीतेगा और किस तरह से हम इनकी कंपेरिजन करने वाले हैं दोनों के बीच में। और इनके कंपेरिजन के बाद देखते हैं कौन जीत रहा है एंड कौन हार रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है इनकी ट्रेनिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं खबीब की ट्रेनिंग के बारे में। खबीब जो ट्रेनिंग करता है भाई, पहाड़ों में करता है और पत्थरों के यूज से करता है और पूरी बॉडी का यूज करके ट्रेनिंग करता है हमेशा। मतलब वो जब भी ट्रेनिंग करता है वो अपनी बॉडी का यूज ज़्यादा करता है, ना कि मशीनों का या फिर किसी और इंस्ट्रूमेंट का। इसलिए उस बंदे का कार्डियो और ग्रैपलिंग और उसकी जो रेसलिंग है बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब बात करते हैं पोरियर की ट्रेनिंग के बारे में। तो पोरियर की ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो कि पहाड़ों में ना करके जिम में करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि पोरियर अपनी बॉडी में कार्डियो का यूज़ नहीं करता है। जब ट्रेनिंग करता है तो उसका कार्डियो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। स्ट्राइकिंग के लिए जाना जाता है पोरियर, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी स्ट्राइकिंग मानी जाती है उसकी। सो इन दोनों की ट्रेनिंग को मिलता है 9 out of 10, क्योंकि हम इनकी ट्रेनिंग से नहीं पता लगा सकते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा इनकी ट्रेनिंग को देख के। अब दूसरा पॉइंट जो है वो है स्ट्राइकिंग। स्ट्राइकिंग की बात करें तो पोरियर की जो स्ट्राइकिंग है वो मानी जाती है खबीब से बहुत ज़्यादा अच्छी है। मे बी पोरियर की खबीब से ज़्यादा अच्छी स्ट्राइकिंग हो, लेकिन कोनर मैकग्रेगर जैसी स्ट्राइकिंग पूरे यूएफसी में बहुत कम फाइटर हैं जिनकी है। और मैकग्रेगर ने पोरियर को हराया हुआ है ऑलरेडी अपनी स्ट्राइकिंग के बेस पे। और पोरियर की स्ट्राइकिंग मे बी अब अच्छी हो गई हो, लेकिन कोनर मैकग्रेगर की स्ट्राइकिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और उसके साथ साथ कोनर मैकग्रेगर की स्ट्राइकिंग बहुत ज़्यादा पावरफुल भी थी, लेकिन वो खबीब को छू भी नहीं पाया था, क्योंकि खबीब डिस्टेंस बहुत अच्छी मेंटेन करता है और खबीब का डिफेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। खबीब बहुत ज़्यादा डिफेंसिवली खेलता है और डिस्टेंस मेंटेन करके खेलता है, इसलिए कोई भी बंदा उसको छू भी नहीं पाता है। इसलिए स्ट्राइकिंग में दोनों को मिलता है 8 पॉइंट क्यों मिलता है, क्योंकि स्ट्राइकिंग में दोनों को 8 पॉइंट इसलिए मिलता है क्योंकि पोरियर स्ट्राइकिंग के लिए ही जाना जाता है और खबीब की स्ट्राइकिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन अच्छी है, इतनी गंदी भी नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता कि खबीब की स्ट्राइकिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए दोनों को 8 पॉइंट्स दिया जा रहा है यहाँ पे। अब हम बात करने वाले हैं इनकी चिन की। तो सबसे पहले बात करते हैं खबीब की चिन की। तो खबीब जैसी चिन पूरे यूएफ्स में किसी भी इंसान की नहीं है। उसका सबूत यह है कि आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में या फिर पूरे इंटरनेट में कि खबीब के फेस से कितनी बार किसी इंसान ने खून निकाला है या फिर कितनी बार खबीब ने पंच खाए हैं और खबीब को फ़र्क भी पड़ा है। खबीब को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है, या फिर फ़र्क पड़ता भी होगा लेकिन वो झेल लेता है, वो कभी भी शो नहीं करता है। कोनर मैकग्रेगर ने उसकी चिन को बोला था ग्लास जॉ रैट, लेकिन मैकग्रेगर के पंच खबीब को छू भी नहीं पाए थे, और छू भी पाए तो भी खबीब को फ़र्क तक नहीं पड़ा। फ़र्क क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि उसकी चिन बहुत ज़्यादा कठोर है। और वहीं बात करें पोरियर की, तो भाई पोरियर की चिन खबीब के सामने कुछ भी नहीं है। पोरियर बहुत बार पंच खा चुका है, पोरियर के फेस से बहुत बार कितनों ने खून निकाल चुके हैं, और पोरियर की स्ट्राइकिंग अच्छी है, लेकिन खबीब की स्ट्राइकिंग बहुत ज़्यादा एक्यूरेट और परफेक्ट रहती है, ना कि पोरियर की। पोरियर की स्ट्राइकिंग अच्छी है लेकिन उसकी जो एक्यूरेसी है बहुत ज़्यादा कम है खबीब से। इसलिए चिन के मामले में खबीब को मिलता है 10 out of 10 और पोरियर को मिलता है 8 out of 10। अब चौथी बात करते हैं कार्डियो की। कार्डियो की बात करें तो खबीब जैसा कार्डियो किसी का भी नहीं है। कोनर मैकग्रेगर से लड़ने के बाद खबीब ने यह कहा था कि मैं 1 by 1 कोनर मैकग्रेगर जैसे 5 लोगों को लगातार हरा सकता हूँ 1 by 1। किसी भी इंसान ने खबीब को आज तक बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस नहीं देखा है। उस बंदे की ट्रेनिंग इतनी खतरनाक है कि वो बंदा कभी भी थक नहीं सकता है, वो कभी भी थकता नहीं है। लेकिन पोरियर को देखो तो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, दूसरे तीसरे राउंड के बाद बहुत ज़्यादा स्लो पंचेज मारने लगता है, लेकिन खबीब के पंच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। और खबीब की एक बहुत बड़ी खासियत है कि खबीब किसी का भी कार्डियो ख़त्म कर देता है अपने रेसलिंग के बलबूते पर। रेसलिंग मतलब जब वो उठा के पटकता है लोगों को, तो उसके बाद लोगों का कार्डियो वैसे ही ख़त्म हो जाता है, उसकी एनर्जी वैसे ही ख़त्म हो जाती है। इसलिए कार्डियो के मामले में खबीब को मिलते हैं 10 out of 10 एंड पोरियर को मिलता है 8 out of 10।
अब पांचवी बात करते हैं रेसलिंग की। अब रेसलिंग की बात करें तो खबीब की रेसलिंग के सामने पोरियर एक छोटा सा बच्चा है, और पोरियर जितना भी बचना चाहे ना, खबीब जब चाहे उसको ग्राउंड गेम खिलवा सकता है, ग्राउंड में परख के उसको बैक पे पटक सकता है और ग्राउंड गेम खेल सकता है, उसको कितनी बार भी चाहे जितने बार चाहे उसको पटक सकता है, वो किसी भी इंसान के साथ कर सकता है ऐसा, ना कि पोरियर के साथ। और खबीब की जैसी रेसलिंग पूरे UFC में किसी की भी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है, और ये आपको मानना पड़ेगा कि पोरियर खबीब रेसलिंग के सामने कुछ भी नहीं कर सकता। नाउ अगला पॉइंट है कि खबीब को कैसे हराया जा सकता है। अगर आपको हराना है खबीब को तो कैसे हरा सकते हो? तो खबीब को हराने की बात करें तो खबीब को हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसको हराना मुश्किल क्यों है? सबसे पहले बात करते हैं सबमिशन की। सबमिशन खबीब को करवाना बहुत ज़्यादा कठिन है दोस्त, क्योंकि खबीब ये बोलता है कि हमारे ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है कि जब तक तुम हारी सांस है, जब तक तुम मर नहीं जाते हो, तब तक तुमने टैप टैप नहीं करना है। मतलब वो बंदा कहीं भी सबमिशन नहीं कर सकता है, वो बंदा चाहे मर जाएगा लेकिन सबमिशन कभी नहीं करेगा। इतना खतरनाक बंदा है, और उसकी रेसलिंग इतनी खतरनाक है कि कोई भी बंदा उसको सबमिशन करवा ही नहीं सकता है। और खबीब जब चाहे तब किसी भी इंसान का सबमिशन कर सकता है, क्योंकि उसकी रेसलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है और किसी का भी सबमिशन किसी भी तरीके से कर सकता है बहुत ईजीली। अब खबीब को हराने का दूसरा तरीका कैसा है? दूसरा तरीका है स्ट्राइकिंग। अब दूसरा तरीका है खबीब को नॉकआउट करने की, और खबीब को नॉकआउट करना बहुत ज़्यादा कठिन है, क्योंकि कॉनर मैकग्रेगर, जो मैकग्रेगर है, वो नॉकआउट का एक कह सकते हो कि नॉकआउट किंग माना जाता है उसको, या फिर कह सकते हो कि नॉकआउट स्पेशलिस्ट माना जाता है कॉनर मैकग्रेगर को, क्योंकि कॉनर की 24 फाइट्स में से 18 फाइट हैं वो नॉकआउट करके जीता है, और वो भी फर्स्ट और सेकेंड राउंड में, ओनली फर्स्ट और सेकेंड राउंड में ही नॉकआउट कर देता है वो अपने अपोनेंट को। लेकिन खबीब को नॉकआउट करना बहुत ज़्यादा कठिन है, और पोरियर के पंच में इतना ज़्यादा दम नहीं है जितना कॉनर मैकग्रेगर के पंच में था। कॉनर मैकग्रेगर ने खबीब को मारा था, पंच मारा था, लेकिन वो उसको कुछ नहीं कर पाया था, उसके पंच को उसने इतने प्यार से झेला कि उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि खबीब की जो बॉडी है वो एक पत्थर टाइप कह सकते हो, बहुत फाड़ बॉडी है, और उसके फेस से खून तक नहीं निकाल पाया था कॉनर मैकग्रेगर। मैकग्रेगर ने बहुत ज़्यादा पंच मारे थे उसको सेकेंड राउंड में, लेकिन उन राउंड में मारने के बाद भी खबीब ने स्ट्राइकिंग में भी कॉनर को ख़त्म कर दिया था। अब समझ सकते हो कि खबीब को नॉकआउट करना कितना ज़्यादा कठिन है वॉरियर के लिए। अब अगला जो तरीका है खबीब को हराने का, वह है डिसीजन। एक बहुत बड़ा फैक्ट है खबीब के बारे में कि खबीब आज तक कोई भी फाइट का कोई भी राउंड आज तक हारा नहीं है। कोई भी राउंड नहीं आ रहा है मतलब ये कहते हैं कि खबीब कभी भी कोई भी राउंड नहीं आ रहा है मतलब वो बंदा क्यों नहीं हारता है। उसका ना हारने का रीज़न ये है कि वो हर एक इंसान को डोमिनेट कर देता है, और रेसलिंग करके उसको ग्राउंड गेम खिलवा खिलवा के उसको दबाए रहता है, इसलिए वो बंदा कभी भी रेसलिंग में हार नहीं सकता है। रेसलिंग करके वो कभी भी कोई भी राउंड नहीं हारता है। और कॉनर मैकग्रेगर के साथ उसने स्ट्राइकिंग वाला गेम भी खेला था, लेकिन उस राउंड में कॉनर मैकग्रेगर जीता था, लेकिन खबीब को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा था उससे। उसके बाद वाले राउंडों में खबीब ने उसको पटक पटक के इतना बुरा मारा था कि कॉनर मैकग्रेगर को टैप करना पड़ा। अब समझ सकते हो कि खबीब को हराना कितना ज़्यादा कठिन है पोरियर के लिए। और ये वीडियो पोरियर को नीचे दिखाने के लिए नहीं थी, पोरियर के लिए रिस्पेक्ट है, वो बंदा बहुत ज़्यादा अच्छा चैंपियन बंदा है, लेकिन खबीब के सामने वो कुछ भी नहीं है यार, क्योंकि खबीब एक बहुत ख़तरनाक तरीके का प्राणी है। उसको हर तरीके से उसने अपने आप को ट्रेन किया हुआ है, और उसकी स्ट्राइकिंग भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। लोगों को लगता है कि केवल ये ग्राउंड गेम खेलता है, लेकिन वो बंदा ग्राउंड गेम के साथ साथ स्ट्राइकिंग भी बहुत अच्छी करता है। आप देख सकते हो कॉनर को कितनी बुरी तरीके से फेला था उसने। सो आपको क्या लगता है कि खबीब और पोरियर में से कौन जीतेगा और कैसे जीत सकता है, प्लीज़ नीचे कमेंट करना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास जो भी लोग UFC में इंटरेस्ट रखते हैं। नाउ एंजॉय।